सागर की साहगढ़ पुलिस ने गौवंश हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में उपयोग हथियार और बाइक जब्त की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। रोहित मोबाइल भगवानगंज का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा। पता हीरो शोरूम के पास, भगवानगंज सागर मध्य प्रदेश। पुलिस के अनुसार 30 जुलाई को पठान बाली घाटी के पास गौवंश के सिर पूंछ समेत अन्य अवशेष मिले थे। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच में पठान बाली मजार के पीछे पहाड़ी से कटे हुए गौवंश के अंग बरामद किए गए। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गौवंश वध निषेध अधिनियम समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। इधर घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही नगर में आक्रोश फैलने लगा। लोगों ने घटनाक्रम के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। मामले में पुलिस ने वारदात की जांच करते हुए संदेह के आधार पर भूरे उर्फ शाहरुख पिता मकबूल खान निवासी वार्ड क्रमांक 1 साहगढ़ और जाकिर अली पिता जिब्राइल अली निवासी वार्ड क्रमांक 9 साहगढ़ को हिरासत में लिया। थाने लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी टूट गए और वारदात की कहानी उगल दी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि 29 जुलाई की रात करीब 12 बजे पठान बाली घाटी के पीछे घूम रहे एक बैल को पकड़ा था। दोनों आरोपियों ने बका से बैल की गर्दन काट कर हत्या की, जिसके बाद मांस के छोटे छोटे टुकड़े कर बोरी में भरे मांस को बाइक पर रखकर घर ले जा रहे थे। वे पठान बाली घाटी के रास्ते घर जा रहे थे, तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया और रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी मौके से भाग निकले। इसी दौरान उन्होंने मांस से भरी बोरी को लांच नदी के बहाव में फेंक दिया। मामले में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में उपयोग की गई बाइक क्रमांक MP15K1925 लोहे का बका लकड़ी का गट्टा जब्त किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। दिनांक 30 तारीख को 30/7 को सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पर पठानबाली के पास गौवंश के जानकारी सूचना प्राप्त मिलने पर स्टाफ को विषय तस्दीक कराई गई थी। वहां पर किसी बैल का पूंछ वगैरह कुछ उसके अवशेष गौमांस से मिले हुए थे, जिनको एकत्र करके हमें डॉक्टर को दिखाया गया, PM कराया गया, पता चला कि कसूरी पूंछ उसके अवशेष भी गौमांस का वहाँ पर था। उसकी तस्दीक की गई, झाड़ियों पर कुछ भी उपलब्ध हो गया। जब कल PM कराया गया, स्पष्ट हुआ कि ये किसी बैल का नदी उपरांत अवशेष प्राप्त हुए हैं। जब इसमें तस्दीक की गई, कुछ लोगों द्वारा क्या बोलते हैं संवेदनशील मामला था, इधर से कोई भी ग्राम के बताने को तैयार नहीं था। तो उसने पूछताछ किया है, उसने बताया कि शागर प्रॉपर के पूरे शाहरुख खान और जाकिर खान इनके द्वारा 30 तारीख की रात में एक टामिल में बैल को वहाँ पर काटा गया है। उसके बाद क्या बोलते हैं फिर वो किसी व्यक्ति के द्वारा देख लिया गया है, तो दल के कारण हर बड़ा कुछ पूछा तो सबसे समाज छूट गए हैं। बाकी जो गौमांस जो है वहाँ से बोरे बनकर लेकर भाग गए हैं मोटरसाइकिल से, और बिल्कुल भी संदेह था किसके द्वारा देख लिया गया है। संवेदनशील मामला था कि गाय घर में काफ़ी पूजनीय है, अपने आप में स्थान रखती है, इसलिए इनके द्वारा हड़बड़ाहट में गौमांस में स्टाफ ने भी गहरे हिस्से में पानी में बहा दिया गया। बाकी जिस हथियार से इनके द्वारा उसको हटा गया था उनको जब्त किया गया, जिस मोटरसाइकिल से गौमांस ले गए थे वो भी जब्त की गई, जिस लकड़ी के कट्टे उसमें टुकड़े पर रख के इनके द्वारा काटा गया था वो भी उनके आरोप के द्वारा बताए अनुसार जब्त की जा चुकी है। आरोपी को ऊपर न्यायालय पेश किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। और कौन सी धारा लगाई जैसे बस वही नमकी धारा 4-5-9 के अंतर्गत अपराध कायम किया गया है। उसके अलावा 427 जो आज की तारीख में 325 VNS उसके अंतर्गत कार्रवाई की गई है। और मैडम पहले भी एक दो बार सायगढ़ क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हुई हैं, इनमें आरोपी पकड़े गए हैं, तो क्या इन आरोपियों ने पूर्व में की हुई कोई ऐसी घटना को स्वीकार किया है? इस संबंध में उनसे पूछताछ की गई है, अभी आरोपी हमारे पास में है और बारीक से मैडम कहीं ऐसा तो नहीं की गौ मांस का धंधा करते हैं कहीं बाहर ही भेजा जाता हो? इस संबंध में जांच की जाएगी, अभी प्राथमिक अनुसंधान में जो चीजें पता चली है उसके हिसाब से आरोपी सिद्ध हो रहे हैं, उनको कल न्यायालय पेश किया जाएगा। सागर से तालिब खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज।
श्रीजी साइन बोर्ड एंड एलईडी डिस्प्ले, आधुनिक मशीनों से एलईडी बोर्ड, लेटर एंड ए टू जेड ग्राफिक्स, तो अब शहर से दूर क्यों जाना। पता श्रीजी साइन बोर्ड, मंगलगिरी रोड, सागर, मध्य प्रदेश।